हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कांग्रेस ने दिया ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, सदन में उठा डीएपी खाद का मुद्दा। डीएपी खाद पर बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, डीएपी खाद पर दिया बयान, कहा हरियाणा में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं, कितना डीएपी उपलब्ध है या नहीं इसकी भी जानकारी देंगे। ये होता है कि मैं तुरंत खाद लेकर के रख लूं, जिसने 10 दिन बाद भी करना है वो भी आज लेता है खाद, उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत आती है। खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर आदित्य जी को कहीं लगता है, उस डिटेल में जवाब दिया गया, अगर आपको लगता है हम जरूर आपको जानकारी। सदन में बोले कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, किसानों को समय पर नहीं मिल रही खाद, किसानों की मांग की जा रही पूरी। डेंगू को लेकर सदन में बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कहा हम फॉगिंग के जरिए डेंगू पर लगा रहे रोक, हर शहर में तेजी से किया जा रहा काम। विधायक अशोक अरोड़ा ने सदन में उठाया डेंगू का मुद्दा, कहा डेंगू से बचाव के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए, सरकार को आंकड़े नहीं छुपाने चाहिए। सदन में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का जवाब, कहा डेंगू के रोकथाम के लिए किया जा रहा काम, बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उस समय पे डीएपी नहीं मिलता है और ये अब की बार भी हर साल की ये दिक्कत है मंत्री की, जो मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और इस चीज को जब बाद में जैसे प्रेशर पड़ता है, फिर जनता में एकदम होती है कि नहीं मिलेगा किसी चीज के लिए। मैं खुद जो है डिप्टी कमिश्नर से 14 अक्टूबर को मिला था और उन्होंने ये माना था कि डीएपी की कमी है, रैक आएगा पलवल में और करेगा। मेरा जो है इस ध्यानाकर्षण में ये, हर साल जब ये आती है तो जो उपलब्धता है वो समय पे क्यों नहीं, उस समय पे डीएपी। हरियाणा में ट्रिपल इंजन का नारा देने को तैयार बीजेपी सरकार के साथ, पार्टी संगठन भी अपनी तैयारी में जुटी। 9 दिसंबर को पानीपत आ रहे प्रधानमंत्री मोदी, महिलाओं के लिए कर सकते हैं बड़ी घोषणा, पीएम के हरियाणा दौरे की तैयारियां थी। इसके लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आएंगे और एक बड़ा प्रोग्राम होगा और महिलाओं का होगा, और जिस प्रकार की हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी उन कई चीजों को हमने 100 दिन में पूरा करने का टारगेट हमारा है। ऐसे काम हमारी सरकार के हैं जो देश के लोकप्रिय प्रधान। हरियाणा पुलिस की नई पहल, चलाया महिला सुरक्षा अभियान, डायल 112 है कि ट्रिप मॉनिटरिंग से तुरंत पहुंचेगी पुलिस। अकेले सफर करने वाली महिलाओं के लिए तैयार किया गया ये तंत्र, जो महिलाओं की सुरक्षा का करेगा काम, हिसार के ESP ने दी जानकारी। में मॉनिटरिंग करने के लिए एक सिंपल प्रोसीजर किया गया है और इसको डायल 112 के साथ लिंक कर दिया गया है, जिससे हरियाणा पुलिस अगर किसी को हेल्प की जरूरत होगी तो टाइमली रिस्पॉन्ड कर पाएगी। इसका जो प्रोसीजर है, जैसे कि ये हम न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी सभी को भिजवा। वाराणसी में स्मॉग और कोहरे का कहर जारी, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी, आंखों में जलन के साथ सांस लेने में भी दिक्कत। चलते विजिबिलिटी बेहद कम, दिन में भी लाइट जलाकर धीमी गति से चल रहे वाहन, मौसम में कड़ाके की ठंड का आसार। मैं ये कहना चाहूंगा, ये अब ये एकदम से बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है, आने जाने में बहुत ज्यादा दुविधा हो रही है, बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए भी और जो दिनचर्या की जो रोजाना काम है, आने जाने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है और आंखों में भी जलन महसूस हो रही है बहुत ज्यादा। हरियाणा में स्मॉग और कोहरे का डबल अटैक, आने जाने वाले लोगों की बड़ी परेशानी, सांस संबंधी दिक्कत भी बढ़ गई। सोनीपत में ग्रेड 4 के नियमों की पालना के लिए प्रशासन की तरफ से आदेश जारी, सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को किया गया बंद। मौसम तो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो आप बच्चे को छोड़ने आए थे, वापस क्यों लेके जा रहे हो? अब बोल रहा है छुट्टी, कल नहीं बोल रहा था। अच्छा, तो बोल रहे थे हरियाणा में छुट्टी बोल रहे थे, लेकिन हमारे पर कोई मैसेज नहीं आया था। चरखी दादरी में भी बढ़ा प्रदूषण का स्तर, ग्रेड 4 लागू कर बढ़ाई गई पाबंदियां, EQI पहुंचा 300 के पार। प्रशासन की तरफ से अगले आदेश तक माइनिंग और क्रेशर के अलावा निर्माण कार्य पर पाबंदी, टास्क फोर्स का भी किया गया गठन, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्यवाही।